आपसे बात नहीं करेंगे। अगली बार ये पर्चे ईसा मसीह तुम्हारा इतना फेमस है, आप चर्च में जाके करवाइए। ये रोडों पे हिंदुओं को देने की जरूरत नहीं है, सनातन धर्म को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों की। बिल्कुल नहीं सुनना मुझे, आप जाइए। अरे जाओ मैडम, हमें पता है आप लोग क्या करते हो। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो उस समय इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक सभी धर्म के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया, यानी कि अपने धर्म का प्रचार करने का, समागम करने का और किसी भी धर्म को छोड़ने या अपनाने तक का भी अधिकार हमारे देश के इस संविधान में हमें हर एक नागरिक को दिया गया है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। लेकिन आज भी कई जगह इसे कईयों के द्वारा इग्नोर किया जाता है, और जब मसीह लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो उन पर धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार तक करवाया जाता है। और ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से भी हमारे सामने आया है, जिसमें तीन मसीही बहनें जो कि पेशे से नर्स हैं सुसमाचार का प्रचार कर रही थी, लेकिन एक दूसरे धर्म के भाई के द्वारा जो कि मसीह से अनजान है उन पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया, जिसकी एक वीडियो क्लिप भी हमारे सामने आई है जो कि इस तरह है। आपके लिए बटना, आप मुझे भी दे दीजिए। आपके नहीं बटना, आप महिला है, आप सबके बांटिए, बिल्कुल नहीं बटेंगे। आजादी का मैं अपने आजादी दी है, पाप का जीवन से छुड़ा, पाप का जीवन से आप जाइए, मुझे मत समझाइए, जाइए आप, देख लें आपने अच्छा नहीं सिस्टर, जाओ आप लोग करना अच्छा नहीं है, जाइए आप जाइए, आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, उनको जाइए, आप जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन यहाँ नहीं बटेंगे, अन्यथा अगली बार गलत होगा। नहीं गलत नहीं, महिला नहीं, हम उनकी अच्छा नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अगली बार ये पर्चे ईसा मसीह तुम्हारा इतना फेमस है, आप चर्च में जाके करवाइए। ये रोडों पे हिंदुओं को देने की जरूरत नहीं है, सनातन धर्म को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों की। बिल्कुल नहीं सुनना मुझे, आप जाइए। अरे जाओ मैडम, हमें पता है आप लोग क्या करते हो, हमें सब पता है आप लोग क्या करते हो, धर्म परिवर्तन करवा रहे हो और क्या करवा रहे हो आप लोग, पहले अमेरिका से आके स्टडी करा रहे हो, अपने अमेरिका में जाके बसो ना, कैसे नहीं करते, 50 लोगों को बदल चुके थे आप लोगों को देख के, हार चुके हम लोग, पिट चुके हैं, आगे हिंदू से ज्यादा है। दोस्तों ये जो आरोप मसीह से अनजान हमारे दूसरे धर्म के भाई मसीह विश्वासियों पर लगाते हैं, बाद में ये आरोप देखना झूठे ही सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे इल्जाम पहली बार नहीं लगाए जा रहे हैं। बहुतों पर सुसमाचार प्रचार करते वक्त ऐसे ही आरोप लगाए गए और उन पर FIR करवाकर उन्हें गिरफ्तार भी करवाया गया, लेकिन बाद में ये आरोप झूठे ही निकले, क्योंकि अगर पैसे देकर धर्म परिवर्तन होता तो ये बात साबित भी जरूर होती, जबकि ऐसा एक भी बार साबित नहीं हुआ है। और रही बात पैसे देकर धर्म बदलने की, तो अगर ऐसा होता तो आज तक कोई साबित क्यों नहीं कर पाया। बाकी परमेश्वर मसीह से अनजान हर एक इंसान को सद्बुद्धि दें, उनकी आत्मिक आंखों को खोलें और साथ ही सत्य को उन पर जाहिर करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।